आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यज्ञ में तीन प्रकार की यज्ञ होती है, तीन प्रकार का यज्ञ होता है। भगवान कृष्ण ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, तीन प्रकार की यज्ञ होती है, एक राजसी होती है, एक तामसी होती है, एक सात्विक होती है, त्रिगुणी माया जिसे बोलते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। जो विज्ञान और ऐसे जो इस भाषा में नहीं समझते हैं, विज्ञान की भाषा में समझाते हैं उनको, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों हैं, और तीन से ही तीन ही पदार्थ हैं, ठोस द्रव और गैस, तीन ही गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, जिससे सृष्टि चलती है। और थोड़ा आपकी भाषा में उतरेंगे, चूंकि आवाज दूर तक जाती है ना, सबके भाषा में उत्तर देना पड़ता है ना, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश वही तीन है, मां आदि शक्ति के ही तीन ही गुण है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शंकर है। शंकर तमस है, ब्रह्मा रजस है और भगवान विष्णु क्षीर सागर निवासी सत्य है। और तीनों शरीर में होना जरूरी है, तीनों जरूरी है। उसी प्रकार से यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है। एक यज्ञ होता है तामसी, तामसी यज्ञ किस लिए किया जाता है, तामसी यज्ञ कौन किया, जैसे रावण, जैसे मेघनाथ, रावण और मेघनाथ, रावण और यज्ञ देखिए भगवान राम भी किए हैं, वशिष्ठ जी के आश्रम में, और जो आश्रम से आए त्यों रक्षक बनकर निकल गए और विश्वामित्र के यहां जाकर के क्या किए, रक्षा किए। अच्छा किए कि खराब किए, और अच्छा का कार्य किए। उसके बाद यज्ञ विध्वंस किए, कब यज्ञ विध्वंस किए याद है, कब यज्ञ विध्वंस किए, जब लंका में इंद्रजीत मेघनाथ तामसी यज्ञ कर रहा था, इनको मारने के लिए प्रभु राम को और लक्ष्मण को, तो हनुमान को भेज करके यज्ञ का विध्वंस कराए। बोलिए कराए कि नहीं कराए, जब मारक, जब शक्ति का प्रयोग तंत्र में होता है, दिव्यात्माएं जब मारक होता है, तो ऐसे हालात में उसका क्या करते हैं, संहारक बन जाते हैं, बन जाते हैं कि नहीं, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए।